हेलो एवरीवन, सीताज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की मसालेदार खट्टी मीठी चटनी, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो कच्चे आम, 400 ग्राम गुड़ ऑर्गेनिक ही लें, मसाले वाला गुड़ ना लें, 300 ग्राम शक्कर, 1 बड़ा चम्मच भुना पिसा जीरा, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सबसे पहले हम कच्चे आमों को धोकर पोंछ लेंगे। अब हम उनको कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जितना वजन आमों के पल्प का होगा, हम उसमें उतना ही मीठा मिलाएंगे। हमारे कद्दूकस किए हुए आम लगभग 700 ग्राम हैं, बाकी 300 ग्राम छिलका व गुठली निकल गई है, इसीलिए हमने 400 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम शक्कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ग्रेट किए हुए आमों को डाल देंगे, साथ ही शक्कर और गुड़ भी डाल देंगे। गुड़ को हमने छोटा छोटा काट लिया था, जिससे वो आसानी से मेल्ट हो सके। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ से या सिर्फ शक्कर से भी ये चटनी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम पर ही रखें। गुड़ मेल्ट होने तक लगातार धीरे धीरे चलाते रहें, ताकि नीचे से आम जल ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और शक्कर ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर और नमक डाल देंगे। अब हम दूसरी तरफ मसाले तैयार कर लेंगे। एक छोटे पैन में मीडियम हीट पर मेथी दाना और सौंफ डालकर 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। अब उनको एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे और उसी पैन में कलौंजी को 1/2 से 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। कलौंजी को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब मेथी दाना और सौंफ को चटनी में मिलाएंगे, जिनको मैंने दरदरा पीस लिया था। अब हम कलौंजी को भी चटनी में मिला देंगे, लेकिन कलौंजी को पीसना नहीं है। कुछ देर में ही चटनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च और जीरा पाउडर डाल देंगे। अब देखिए, पानी काफ़ी सूख चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी चटनी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। लीजिए, तैयार है खट्टी मीठी चटनी, जिसको आप रोटी, पराठा और पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर एयर टाइट जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको ब्रेड पर जैम की तरह लगाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह की रेसिपीज देखना पसंद करेंगे।